हेलो दोस्तों, तो आज मैं दिखाता हूँ आपको। हम आए हैं एक ऐसी बहुत सी शानदार जगह पे, और पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के अंदर ये तालाब है, और जो कि पीछे आप देख रहे हो बहुत बड़ा तालाब है। अभी मैं पूरा इसमें दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों, अभी मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है और हम इसमें थोड़ा सा घूमने आए थे। तो देखो हूँ मैं आपको, काफ़ी मस्त व्यू यहाँ से आ रहा है। और देखता दिखाता हूँ मैं कैसा मौसम अभी बन रहा है, बारिश होने वाली है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, कितने शानदार बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम होने वाला है। और देखिए यहाँ का व्यू, ये पहाड़ी है, ये तालाब है। और इस तालाब में मैं दिखाऊंगा आपको कैसे परिवार रहते हैं यहाँ पे। अभी भी मतलब पूरा नेचुरल तरीके से रहते हैं, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखिए दोस्तों, ये है बूंदी की पहाड़ियाँ, और ये बूंदी का तालाब है, हिंडोली बूंदी, जो बूंदी की तहसील है हिंडोली, उसका तालाब है। और यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर पे भी चलेंगे अभी अपन। और यहाँ पे देखिए एक परिवार रहते हैं, और यहाँ पे थोड़ी खेती कर रखी है इन्होंने, तो यहाँ से सब्जी लगा रखी है। देखिए अभी दिखाते हैं यहाँ का सारा व्यू, दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं आगे, यहाँ नाव भी चल रही है, नाव में देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। और दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ये पहाड़ियाँ भी नहीं है, उदयपुर की पहाड़ियों से कम, ये बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपने भिंडी तो खाई होगी, ये भिंडी की सब्जी। और अभी यहाँ पे भिंडियाँ भी आई हुई है, ये दिखाता हूँ, टूटी गिरी हुई है साधारण, हाथों हाथ बिल्कुल ताजा सब्जियाँ। मैं दिखाऊंगा आपको, ये लग रही लग रही है मुझे। और यहाँ पे इंजन है, बिल्कुल ताजा नेचुरल हाथों हाथ सब्जियाँ खाते हैं। क्या कर रहा है मनोज, क्या कर रहा है? अरे नदी में, नदी नहीं है, ये तालाब है। और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर की तरफ भी चल के दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पता नहीं क्या तोड़ने गए हैं खाने के लिए, ये कमल, कमल के पेड़, पेड़ क्या कमल के ही है, पता नहीं कमल के क्या डोडे आते हैं, तो उनको खाते हैं, वो तोड़ने गए हैं। अब देखते हैं क्या तोड़ के लाते हैं। और देखिए ये लेकर आ गए, पता नहीं क्या ला रहे हैं। क्या लेकर आ रहा है? और देखिए क्या लाए हैं ये, लाए खाए बैठे को ना, ये तो ये जगह। एक मिनट दे दो। और देखिए दोस्तों ये लाए हैं, पता नहीं क्या है, एक होता ना ये ना बेटी को नहीं कड़ी लगी ले। एक मिनट, वो कमल का फूल। और देखिए दोस्तों, ये है कमल का फूल, स्वाद खाए यार, स्वाद ना है मोटी कोनो। अभी ये डोडा ही है, फूला बड़ा नहीं हुआ अभी। और ये जो देख रहे हो सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े लगे लगाए हुए हैं। अब देखते हैं इनको खाते कैसे हैं, क्या इनके बीच निकलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसको खोल के दिखाते हैं आपको क्या इसमें निकलता है। अब कॉल को दिखाइए। नहीं वो नहीं, इसको निकलता है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, खोल है ना उसको, हाँ वो निकला ना। क्या इनको खाते हैं? हाँ, अभी तो कच्चा है यार, इतना ज्यादा टेस्ट नहीं है यहीं पर, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा ना, कच्चा है अभी। और ये है दोस्तों कमल का फूल, अभी तो डोडा ही है, बाकी फूल निकलेगा इसमें, तो अभी करते हैं, देखिए खोलते हैं। फूल निकल गया, हाँ आ रहा था, फूल निकले जा रहे थे यार, बहुत बड़ा फूल है। निकले जा रहा फूल भी, कितना सुंदर निकला है, वाह यार गजब। अरे वाह यार, सारे तगड़ा फूल मस्त हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये है कमल का फूल, ये निकल गया, इसको साथ ले चलना, अभी साथ ले चलेंगे इसको, वहाँ ले चलें।
काम आएगा ना तुम। तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा कमल का फूल देखा? नहीं देखा तो होगा, हाथ में लेके देखा। हमने यहाँ से तोड़ के लाए है भाई, वो भी जस्ट ताजा एकदम नया खोला है, पन नहीं है, पूरा खुला हुआ नहीं है अभी, काफी बहुत बड़ा हो जाता है ये खोलने के बाद में। और आगे चीजें दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों अपन चल रहे हैं मंदिर पे, वो जो सामने मंदिर दिख रहा था वहाँ पे चल रहे हैं, देखते हैं किसका मंदिर है। और काफी अच्छा मंदिर है, और अभी थोड़ा शाम का मौसम हो गया और लाइटें वाइटें जल गई, काफी अच्छी व्यू उसमें आ गया अभी, तो चलते हैं देखें। और ये आ गया है मंदिर, मंदिर के पास पहुंच गए हैं। और देखिए दोस्तों एक कुछ नई चीज़ बताता हूँ आपको, ये मछली है जो कि मर के यहाँ पे मरी हुई है, सूखी है, मरी सूखी है बेचारी, पता नहीं किसने मार दी। फिर अपन आ गए मंदिर के जस्ट बाहर, अपन कहीं मेन रास्ते से आए नहीं है, इधर थोड़ा सा जा लिया घंटे का इलाका है। आरती अभी हो रही है स्टार्ट, पहले दर्शन कर लेते हैं। अभी काम ही चल रहा है, मेन मंदिर तो वही है। और ये है दोस्तों बाबा कालू का मंदिर जो कि हिंदू लिखा है, और अभी काम ही चल रहा है बाबा कालू का मंदिर। और ये देखे इसके बाहर का व्यू, काफी अच्छा व्यू है, काफी मस्त लग रही है, मौसम सुहावना हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी नेचुरल हवा, ऐसी ही हवा भी फैल है इसके अंदर। बारिश स्टार्ट होगी सिंगाड़िया ना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं नीचे, देखे हैं इसमें से चढ़ गया, चलते हैं नीचे। तो देखिए दोस्तों अपन ने यहाँ बाबा के दर्शन कर लिए, ये मंदिर जो था ये कालू बाबा का मंदिर है जो कि हिंडोली का है, हिंडोली के कालू बाबा का मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे तालाब है, तालाब के जस्ट पास में ये मंदिर है, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है तालाब का, बहुत शानदार। और चलते हैं हम आगे। दोस्तों कैसे फूल हैं, बहुत शानदार शानदार ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई प्लास के फूल है। और ये फूल है तो तालाब के पास में ही है कि लगे हुए हैं पेड़ जैसे छोटे छोटे, ये नहीं क्या रहे हैं ये फूल। सब्जियाँ लगा रखी है, ये ग्वार की फली, इधर मक्का है, और यहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ पे इनकी बकरियाँ बंधी हुई है। राम राम। और ये दोस्तों गांव का देसी फ्रीज, छोटा फ्रीज ये है ना, बोतल के कपड़ा लगा के रख देते हैं, इसे काफ़ी ठंडा पानी रहता है इसमें, तो पी के देखते हैं कितना ठंडा पानी है। काफी ठंडा पानी है, जैसे फ्रिज इतना तो नहीं है पर ठंडा ही है। और दिखाते हैं बाकी सीन कैसे रहते हैं गांव के लोग। चूल्हा जला रखा है, यहाँ पे खाना बनाते हैं, और ये घर है छोटा सा,
और यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की बकरे हैं, दूध निकाल के हाथों हाथ ताज़ा दूध की चाय पी लो। तो आप यहाँ रहते हो खुली हवा में पहाड़ों के बीच में, तो कैसा आपको महसूस होता है? बढ़िया मजा है, मैं तो ठंडे बात ही मैं। अच्छा बढ़िया, खुला मौसम, खुला मौसम है, आराम बढ़िया रहता है, तालाब बीच में है, देख लो कुछ कुछ परेशानी नहीं है, है ना। और यहीं से ताजा सब्जी लगा रखी है, ताजा सब्जी तोड़ के खा लो, ताजा सब्जी खाओ, डोसा खाओ, सब खाओ। अच्छा, और मतलब यहीं से दूध बकरियों का दूध निकाल के चाय पी लो, देखे दोस्तों बकरी के दूध की चाय, ताजा दूध की चाहिए बिल्कुल, हाथों हाथ निकाला हुआ दूध, मिला के पीता हूँ, हाथों हाथ दूध निकाल के और फिर चाय बना के पीते हैं ना। अच्छा, और सब्जी जब बनाते हो आप तो हाथों हाथ यहीं से भिंडी की सब्जी तोड़ लो, सब्जी तोड़ ले, भिंडी तोड़ लो, केदार तोड़ लो, मिर्ची तोड़ लो, सब निकाल ले। और क्या क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे सब्जी में? अभी इसमें भिंडी भी है, इसमें केदार भी है, कद्दू भी है, मक्का भी लगा, मक्का भी लगा मिली है, गुआर है, चोड़ा है। और कैसा लगता है आपको जब यहाँ पे रहते हो? गर्मी वर्मी लगती है क्या? बहुत गर्मी ठंड लगती है, हवा लगती है बढ़िया जोर की, हवा लगती है बढ़िया जोर की, बढ़िया हवा लगती है, ठंडी पंखा का जरूरत नहीं पड़ रहा है, लाइट आ रहा है अपना, लाइट भी लाइट भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। अच्छा बढ़िया, पूरा जाता है अपने, इसमें बहुत बढ़िया प्रकाश होता है उजाला, है ना। बहुत यहाँ पास में मंदिर भी है, बाबा का मंदिर है यहाँ पास में, माता जी का मंदिर है ये डूंगी के ऊपर, माता जी का मंदिर है सामने, देवनारायण का मंदिर है वो सामने। अच्छा, ये किला किसका है जो इधर दिख रहा था? तेज महाराज का मंदिर है वो सामने, वो किला किसका है वो सामने जो दिख रहा है, वो थाना का गढ़, थानेदार का गड्ढे, वो गड्ढे है वहाँ पे जमाने का। अच्छा अच्छा, पुराना ये मंदिर किस चीज का है? राजा महाराजा का गड्ढा। अरे मैं दिखाऊं आपको, ये कंडे छाने, इनसे क्या है बाटिया बनाते हैं ना, बाटी बनाते हैं, और ये रोटियां हैं, ये रोटी बना रहे हैं। ये चूल्हे गैस नहीं है क्या आपके पास? पर इसमें बढ़िया लगती है इसकी रोटियां ना, चूल्हे की रोटी बढ़िया लगती है। अच्छा अभी खाना बना रहे हो ना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इनके यहाँ पे? बहुत शानदार व्यू दिखाया आपको, और गांव में कैसे लोग रहते हैं वो सब कुछ दिखाया आपको, काफ़ी मज़ा आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।